खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज संडे है और संडे वाले दिन बहुत आलस होता है। खैर क्यों ना हो, पूरे हफ्ते काम करके एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए जिस दिन आराम से उठ सके। और उस दिन खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि आज खाना क्यों बनाएं, कैसे बनाएं। खैर मैं आपको इलाज बताता हूँ कि संडे के दिन आप आराम से उठ भी सकते हैं और खाना भी खिला सकते हैं सबको उनकी पसंद का। वो कैसे? उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ब्रेकफास्ट है उस दिन ना करें। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि ब्रेकफास्ट ना करें, हमें तो पढ़ाया गया है कि जो ब्रेकफास्ट है वो राजा की तरह से खाना चाहिए, ईट ब्रेकफास्ट लाइक किंग। खैर बनाते हैं ब्रंच, जिसमें ब्रेकफास्ट भी और लंच भी, दो की जगह एक मील, लेकिन मज़ा दोनों का। कैसे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आज के ब्रंच स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बनाते हैं कुछ ब्रंच वाली डिशेस। ब्रंच में क्या बनाया जा सकता है? वैसे तो सब कुछ ही बनाया जा सकता है, लोग सैंडविच से लेकर डोसा से लेकर छोले भटूरे सब कुछ बनाते हैं। वैसे आजकल होटल्स में ब्रंच बहुत ही पॉपुलर हो गया है, शैम्पेन ब्रंच। लेकिन मैं एकदम सीधा साधा सिंपल ब्रंच आपको बताता हूँ, और ऐसा खाना जो सबको पसंद आ सके और वैसे भी आप कभी भी खा सकते हैं। शुरुआत करते हैं अप्पम से। इसके लिए सबसे पहले आप चावल ले लें, और दो तरह के चावल लेने हैं। एक तो ये देखिए, ये पार बॉयल्ड राइस है, और उसके साथ साथ नॉर्मल राइस, महंगे राइस की ज़रूरत नहीं है। और इस चावल को पीसना है हमने, भीगा हुआ चावल। और अब इसके अंदर आप डालें पानी, लेकिन साधारण पानी नहीं, आप नारियल, जो कच्चा नारियल है वो ले लें और इसके अंदर इसका पानी डालें। चावल की खुशबू, कच्चे चावल की खुशबू, ये पिस चुका है, ये चावल हमने पीस लिया। अब इस चावल के अंदर हम डालते हैं, पिसे हुए चावल के अंदर नमक, और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे हमने फर्मेंट होने के लिए रखना है, ताकि ये राइज हो जाए, फूल जाए। करीब इसको 24 घंटे से 36 घंटे तक रखना पड़ता है, तभी मज़ा आता है, तभी अच्छी तरह से फर्मेंट होता है। फर्मेंटेशन के बाद क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे नारियल, लेकिन नारियल को ऐसे नहीं, नारियल आप ले लें और उसके अंदर थोड़ा सा वार्म पानी डालकर इसे मिक्सी के अंदर ब्लेंड कर लें, और फिर मसलिन क्लॉथ में से इसे आप इसका रस निकाल लें। जो कोकोनट मिल्क, फ्रेश कोकोनट मिल्क, एकदम गाढ़ा वाला निकले, उसे आप इसके अंदर डालें। ये कोकोनट मिल्क इसके अंदर डालें, और उसके साथ बेकिंग पाउडर, और इसे मिक्स कर लें। तो ये जो अप्पम है, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई स्पेशल वाली, अप्पम की अप्पम चिट्टी। ये देखिए, इसे थोड़ा गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद में ये गीले कपड़े से इसे मैंने पोंछ लिया है। खैर गीले कपड़े से क्यों पोंछते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, वो इसलिए ताकि एकदम बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे। और ये जो बैटर है अप्पम का, ये आप इसके अंदर डालें, और बैटर डालने के बाद आप ये जो कढ़ाई है इसको इस तरह से घुमाएं, बस ऐसा ही। अब आप देख रहे हैं बीच में जो बैटर है वो थोड़ा बचा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा बैटर बीच में बचना चाहिए। देखिए अब ये बीच में थोड़ा सा कच्चा है, घबराइए नहीं। इस समय ऊपर से इसके हम ढक्कन लगा देते हैं, ताकि ये पके पूरी तरह से। देख लेते हैं क्या हालत है इसकी, ये देखिए अब बीच में से कैसा फूला हुआ है। अब आप देखिए इसको आराम से निकालें, कोई जल्दी नहीं है, देखिए किनारे से निकलना शुरू। अब सिर्फ आप इसे पकड़कर इसी तरह से इसे निकालें, ये देखिए ये अपने आप छूट जाता है, ये जो अप्पम है ये तैयार। देखिए कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है, और पीछे से कैसा लगता है, एकदम करारा क्रिस्प, और यहाँ से सॉफ्ट। इंतज़ार बिल्कुल ना करें, इसको खाएं गर्मा गर्म, और मज़ा आता है इसका खाने का स्ट्यू के साथ में।
मैं वापस आऊंगा स्टू की रेसिपी के साथ में। आप देखते रहें खाना खजाना। अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए एक कप चावल, एक कप पारबॉइल्ड राइस, आधा कप हरे नारियल का पानी, नमक स्वादानुसार, 3/4 कप नारियल का दूध और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके लिए पारबॉइल्ड राइस और साधारण चावल को अलग अलग 4 कप पानी में करीब 2 घंटे तक भिगो के रखें और उसके बाद इसका पानी निकालकर इसे मिक्सी में डालें और इसमें हरे नारियल का पानी डालकर इसे पीस लें। अब इसे एक बोल में निकाल लें और इसमें नमक मिलाकर इसे करीब 24 से 36 घंटे तक के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। फर्मेंट होने के बाद इसमें नारियल का दूध और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब एक अप्पम चिट्टी यानी अप्पम बनाने वाली कढ़ाई को गर्म करके इसमें थोड़ा सा तेल डालें। इसे गीले कपड़े से पोंछ कर इसमें एक करछी से अप्पम के बैटर को डालें और इसे कढ़ाई में फैला दें। इसके बाद इसे मध्यम आंच पर ढक्कन लगाकर करीब 2 मिनट तक पकाएं। जब ये किनारों से निकलने लगे और सुनहरा हो जाए तब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वैसे दक्षिण भारत में खासतौर से केरला में अप्पम का जो बैटर है वो तरह तरह से बनता है। कुछ लोग इसमें टॉडी भी डालते हैं। ये टॉडी या ताड़ी सुना तो बहुत है लेकिन देखिए यहाँ पर इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद हो तो अप्पम में जरूर डालें। अब दक्षिण भारत से चलते हैं पश्चिम भारत की तरफ। महाराष्ट्र के लोग मिसल पाव काफी खाते हैं। अब ये मिसल पाव है क्या? इसके अंदर मटकी या स्प्राउटेड मूंग डालकर बनाई जाती है एकदम चटपटी मसालेदार। ऊपर से सेव या चिवड़ा डालकर इसको पाव के साथ दिया जाता है। आपने कब खानी है? मैं तो कहूंगा ब्रंच में ही खाएं क्योंकि ब्रंच स्पेशल जो आज देखा है। वेलकम बैक खाना खजाना के आज के हमारे ब्रंच स्पेशल में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने देखा कि ब्रंच के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अप्पम बनाया अप्पम के साथ में तभी मज़ा आएगा पूरा जब आप उसके साथ में बनाएंगे स्ट्यू। वेजिटेबल स्ट्यू है, मिक्स वेजिटेबल्स। इसके लिए आप जो सब्जियाँ हैं वो तैयार कर दें। वैसे तो रूट वेजिटेबल इसमें काफ़ी डलती हैं, वो आप ले लें। ये जो सब्जियाँ हैं इसे थोड़ा सा पहले पका लिया ताकि पकने में समय नहीं लगे। खैर आप चाहें तो इसको पहले ना भी पकाएं तब भी चलेगा। इसे पकाना शुरू करते हैं कोकोनट ऑयल और नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, ये दोनों ले लेते हैं। तेल गरम कर लिया और अब इसमें तेज पत्ता, सिनेमन यानी दालचीनी, इसके साथ कुछ लौंग और स्टार अनीस ये फूल चक्री, और इसके साथ इसमें डालें कुछ करी पत्ते, हरी मिर्च, इसके साथ में प्याज। ये जो प्याज है आप इसे स्लाइस करके भी डाल सकते हैं या चॉप करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से प्याज को हमने थोड़ा भूनना है और अब इसमें हम डालते हैं फ्रेश अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। आपकी मर्जी है, आप ना भी डालना चाहें तो भी चलेगा। इसमें जो स्क्रेप कोकोनट हमने लिया है इसका आगे क्या करना है, इसे कोकोनट मिल्क हमने बनाना है। इसे आप मिक्सर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर ले लें और उसमें थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी डालकर मिक्सी कुछ देर तक चला दें और उसके बाद आप इसका एक्सट्रैक्ट निकालें। इस समय जो कोकोनट मिल्क निकलेगा वो एकदम गाढ़ा वाला होगा। खैर उसके बाद आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर इसे एक बार फिर मिक्सर के अंदर घुमाएं और एक बार फिर इसमें से कोकोनट मिल्क निकालें। इस बार जो कोकोनट मिल्क होगा वो होगा थोड़ा सा पतला। दोनों का किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं बताता हूँ आपको। ये जो प्याज हैं ये हमने पका लिए, अब इसके अंदर सब्जियाँ, गाजर, गोभी, आलू, और अब इसके अंदर डालें ये सेकंड एक्सट्रैक्ट, और अब इसमें हम डालते हैं नमक और ये जो बीन्स हैं ये भी डाल देते हैं। थोड़ी सी ब्लांच की हुई है हमने ताकि इसे पकने में ज़्यादा समय ना लगे। अब जब ये सब्जियां पूरी गल जाएं तब इसे धीमे कर लें और अब इसके अंदर डालें ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट का। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट डालने के बाद इसे मिक्स कर लें और चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर
ज़्यादा नहीं, इसका जो रंग है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसे मिक्स करें। और फर्स्ट एक्सट्रैक्ट डालने के बाद आप इसे उबालें नहीं, बस इसी तरह से बंद करें। अप्पम और स्टू, ये जो कॉम्बिनेशन है ब्रंच के लिए परफेक्ट है, दिन में भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं, खाने के बाद में आप चाहें तो सो भी सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो मूवी पिक्चर कुछ भी चाहें आप ज़रूर देख सकते हैं। अभी तो मैं तैयारी करता हूँ एक और डिश की, क्योंकि गेस्ट जो आ रहे हैं हमारे साथ उन्होंने कुछ बढ़िया सा खाना मेरे लिए बनाना है। खैर देखते हैं कि कौन बनाएगा, मैं या वो। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद उसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए दो गाजर थोड़ी उबली हुई और चौकोर टुकड़ों में कटी हुई, दो आलू थोड़े उबले हुए और चौकोर टुकड़ों में कटे हुए, 8 फूल गोभी के टुकड़े थोड़े पके हुए, 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े 1 इंच के, 4 लौंग, 2 फूल चक्री, 12 करी पत्ते, 4 पतली और लंबी कटी हुई हरी मिर्च, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 कप नारियल का दूध सेकंड एक्सट्रैक्ट, 1 कप नारियल का दूध फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, नमक स्वादानुसार, 8-10 फ्रेंच बीन्स कटी हुई और थोड़ी उबली हुई, और चुटकी भर गरम मसाला पाउडर। इसके लिए एक पैन में नारियल का तेल और रिफाइंड ऑयल लेकर गरम कर लें। इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, फूल चक्री, करी पत्ते, हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज डालकर कुछ देर तक भूनें। अब इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर तक और पकाएं। इसमें कटी हुई गाजर, फूल गोभी और आलू के पीसेस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें नारियल के दूध का सेकंड एक्सट्रैक्ट डालकर कुछ देर तक पका लें। इसके अंदर नमक और बीन्स डालकर इसे और पकाएं। जब सब्जियां गल जाएं तब इसमें नारियल के दूध का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट डालकर इसमें गरम मसाला पाउडर डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें और इसकी आंच बंद कर दें और इसके बाद इसे निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपको फैसला करना है, नहीं फैसला कुछ नहीं करना है मुझे फैसल बता रहे थे कि इनका नाम जो है कुछ लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वही बता रहे थे कि फैसल जो है वो फैसला से है, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। खैर आपके लिए आज नए शेफ हैं तो मैं जा रहा हूँ और सारा खाना बनाएंगे फैसल। नहीं प्लीज आप यहीं रहिए। क्यों? क्योंकि काफी कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ गैस वैस जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, साथ में बनाते हैं। आई विल वर्क अंडर योर गाइडेंस। वी हैव टू लर्न अ लॉट इन दिस फील्ड। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उससे अच्छा खाता हूँ। खाता सबकी यही प्रॉब्लम है, खाते अच्छा है। खैर कोई बात नहीं, आज बनाते हैं क्रीमी वेजिटेबल्स बनाते हैं जी, और एग से साथ में, क्योंकि ब्रंच स्पेशल है जी। मुझे मालूम है आपको बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। जी बिरयानी काफी अच्छी लगती है। अच्छा बनाने में भी? हाँ बना लेते हैं। बना लेते हैं जी। तो किसने मतलब किसने तो सिखाया होगा ना? जी मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत अच्छी कुक थी। नाउ शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड बट शी इज अ रियली गुड कुक। ओके। एंड खाते तो हम थे ही काफी सालों से उनके हाथ का बना हुआ, तो फिर सोचा कि क्यों ना सीख लें, तो कुछ डिशेज सीखी हैं उनके साथ, प्रॉन्स बिरयानी। अरे वाह। चने का हलवा। चने का हलवा बनाते हैं पहले, बेक्ड एग्स विद क्रीमी वेजिटेबल्स। तो इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से मक्खन से शुरुआत कर लेते हैं। मक्खन अंदर डाल, मक्खन डाल लेते हैं इसमें। चलिए मक्खन और ये प्याज। ओके। अब इसमें मशरूम डाल देते हैं। ओके। और इसको हाँ ये भी सब करते हैं, मिक्स करते जाना है सारी चीजें सौते कर करके। अब इसमें डाल देते हैं कैरेट्स। कैरेट्स से थोड़ी सी ब्लांच है, थोड़ी पकी हुई है जी, वो इसलिए पका के रखी है ताकि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। और आलू। आलू जी। और मटर। मटर ओके। तो सब एक साथ डालें? हाँ ये तो सब ओके, थोड़ी थोड़ी तो पकी हुई है जी। तो ये हो गया गाजर मटर आलू कॉर्न सारी चीज़ें डालकर इसे मिक्स करना है। अच्छा इसमें नमक और थोड़ा तो एक चम्मच नमक ना, इट इज वन नमक स्वादानुसार। अच्छा ओके। अब इसके अंदर क्रीमी वेजिटेबल है, थोड़ी क्रीम डाल दें जी। इट्स राइट इस टाइम ऑफ, व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है इसके अंदर? कोई खाना बनाना इतना सिंपल है, इतना आसान है। ये सब जो हस्बैंड्स हैं वो आपको दुआ देते होंगे। अब पता नहीं दुआ देते हैं या नहीं, वाइफ जो उनको आता नहीं खाने पकाने, वो आपके प्रोग्राम देख के हाँ उनको अच्छा अच्छे खाने खिलाती होंगी। हाँ
और आपको काफी दुआएं मिलती हैं। और काफी सारे हस्बैंड्स ऐसे कहते हैं कि मतलब ये जितनी वाइफ्स एक्सपेरिमेंट करती हैं आपका खाना खजाना देख के, वो सारे हमारे पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। नहीं, बट आई एम श्योर देयर विल बी गुड फूड। एंड इतने सालों से, 10 साल हो गए खाना खजाना, अगर खाना ठीक नहीं बना रहे होते तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये कार्यक्रम बंद करो। बिल्कुल, बट ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, कार्यक्रम से मुझे याद है, आपका कार्यक्रम नया शुरू हो रहा है 64 पन्ने। जी बिल्कुल जी, बहुत 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 शुभकामनाएं जी। इट्स द फर्स्ट टीवी सीरियल आई एम डूइंग फॉर जी टीवी। ओके, तो ये बहुत मुझे लगता है कि स्टोरी काफी अच्छी है जी, मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड आई होप इट डज वेल। या सबको अच्छा लगेगा जी, ये वाली भी सबको डिश पसंद आनी चाहिए, क्रीमी। बिल्कुल नहीं आएगी, जरूर आएगी। मेरे हाथ में कुछ मजा है ना, जादू है। हाँ, जादू। तो ये थोड़ा सा दूध डाल देता हूँ मैं, और इसके साथ ये चीज है ना, चीज। ओके, ये चीज बड़ी मस्त मस्त है। थोड़ा सा इसे पकने देते हैं, तब तक ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। ब्रेड क्रम्स जी। ये पार्सली। ओके, ये भी फ्रेश। इसको भी मिक्स करके। हाँ, ये मिक्स करना है इसमें, और इसके साथ में क्रश्ड रेड चिलीज। तीखा बनाते हैं इसको, पर ब्रंच है तो खाने में थोड़ा टेस्ट भी आना चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि पता नहीं क्या बना दिया, क्रीमी वेजिटेबल्स हैं, बिल्कुल ब्लैंड सी होंगी। नहीं जी, थोड़ी मिर्ची इसमें। हाँ, मिर्ची। ये अब तैयार है ये ठीक। अब इसके अंदर, इस डिश के अंदर स्प्रिंकल करें। हाँ, स्प्रिंकल करें। और अब इसमें, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। अरे साइड से तोड़ के। अरे वाह, नॉट बैड। नहीं, अरे बहुत अच्छा है तो। चलिए, ये अच्छा है, मतलब शुरुआत करें। हाँ, अभी तो और डालें, काफी डालेंगे इसमें। अच्छा, काफी। उप्स। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर जो योग टूट जाए या कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाह, ये अंडे तैयार। ये थोड़ा सा जो क्रम है, और ऊपर से भी डाल दें। हाँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये तैयार, ये हो गया तैयार, और अवन भी तैयार। तैयार, और इसको डाल दें अवन के अंदर, ये वाला। और ये वाला वो माइक्रोवेव। ओके, अवन के अंदर। अब गया इसके अंदर जादू। अब थोड़ा इंतजार करना पड़े, थक गए क्या? नहीं नहीं, वैसे खाना बनाने से कौन थकता है? नहीं नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। काफी कुछ भाप भाप निकलती है, एंड यू नो इट्स हीटी एटमॉस्फेयर। अब समय है बेक्ड एग्स विद क्रीमी वेजिटेबल्स के इंग्रेडिएंट्स नोट करने की, और उसके बाद देखें इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 अंडे, 4 बड़े चम्मच मक्खन, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 6 मशरूम स्लाइस किए हुए, 1 गाजर चौकोर टुकड़ों में कटी हुई और थोड़ी पकी हुई, 1 आलू चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ और थोड़ा पका हुआ, 1/2 कप मटर के दाने पके हुए, 1/2 कप भुट्टे के दाने पके हुए, नमक स्वाद अनुसार, 4 बड़े चम्मच ताजी क्रीम, 1/4 कप दूध, 1/4 कप ग्रेट किया हुआ चीज, 1/2 कप फ्रेश ब्रेड क्रम्स, 2 बड़े चम्मच फ्रेश पास्ते बारीक कटा हुआ, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर। इसके लिए एक पैन में मक्खन ले लें और इसमें प्याज और मशरूम डालकर कुछ देर तक पका लें। इसमें कटी हुई गाजर, कटे हुए आलू, मटर के दाने और भुट्टे के दाने डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें नमक और व्हाइट पेपर पाउडर लेकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें डालें फ्रेश क्रीम, दूध और ग्रेट किया हुआ चीज। इसे करीब 5 मिनट तक पकाएं। एक अलग बोल में फ्रेश ब्रेड क्रम्स, पार्सले और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मिला लें। अब पके हुए मिक्सचर को एक ओवन प्रूफ डिश में डालें, ऊपर से ब्रेड क्रम का मिक्सचर डालें और अंडों को तोड़कर डाल लें, और एक बार फिर बचा हुआ ब्रेड क्रम का मिक्सचर डालें और इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर करीब 10 मिनट तक बेक करके गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि जितने गेस्ट यहाँ पर आते हैं सब लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, कान पकड़ लिया। खैर, आप इस तरह से कान पकड़े या ना पकड़े, ब्रंच पे अगर आप घर वालों को सबको इन्वॉल्व करें तो खाना बढ़िया बन सकता है और थोड़ा सा आराम ज्यादा कर सकते हैं। खैर, आराम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा खाना खाएं बढ़िया सा, फिर आराम। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।